हेलो दोस्तों, एविल एनिमो में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे भूतिया घर के बारे में बताएंगे जिसको सुनकर ऐसा लगेगा कि ये सीधा किसी हॉन्टेड फिल्म से उठाया है, लेकिन नहीं, ये घर असली है। ये घर अभी 2019 में हॉन्टेड घोषित किया गया और अब दुनिया की सबसे भूतिया और दुष्ट जगहों में से एक माना जाता है। इस जगह के बारे में कुछ अपडेट जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस घर का नाम विलोज वीप है, जो स्थित है इंडियाना यूएसए में। ये 19वीं सदी में किसी अनजान आदमी ने घर बनाया था एक क्रॉस की शेप में। जी हाँ दोस्तों, एक क्रिश्चियन क्रॉस, और ये घर हॉन्टेड है। इस क्रॉस की बात को अभी भूल जाते हैं और कुछ और बताते हैं आपको विलो स्वीप के बारे में। इस जमीन पर भयंकर युद्ध हुए थे काफी सदियों पहले और कई प्राचीन कब्र आज तक वहां मौजूद है। कई लोगों का मानना है कि इन सब बुराइयों के कारण ये घर भूतिया है। घर बनने के बाद से ही यहाँ कई जाने जा चुकी है और कई लोगों को भयंकर चोटें भी आई हैं। जिसने घर बनाया वो बाढ़ टप में मारा गया, फिर दो आत्महत्या हुई, फिर किसी ने अपने आप को फांसी लगा ली। कुछ टाइम बाद तीन लोग जहर से मारे गए, फिर 2018 में एक आदमी ने आत्महत्या कर ली और उसकी लाश इस कुर्सी पर बैठे हुए एक हफ्ते बाद मिली। यहाँ इस घर में कुछ भी हो, लेकिन जो भी है काफी ज्यादा खतरनाक और दुष्ट है। मौत के अलावा यह भूतिया चोटें भी आम हैं, इसके बारे में भी जल्द बताएंगे, लेकिन उससे पहले विलो द्वीप की पुरानी मालकिन के बारे में बताते हैं। इस घर में कई हादसे होने के बाद इस प्रॉपर्टी के रेट काफी ज्यादा गिर गए और ब्रेंडा जॉनसन ने ये घर खरीद लिया। ठीक 6 महीने बाद जब 2018 में एक आदमी ने उधर आत्महत्या की थी, उन्हें लगा कि ये मौत की बातें सिर्फ अफवाह है और वह किसी भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखती थी। लेकिन उनकी सोच बदल गई जब उन्होंने अपनी पति और बेटे के साथ उधर पहला दिन गुजारा। जो हादसे उनके साथ हुए, उन्हें यकीन हो गया कि उन्होंने ये घर खरीद कर काफी बड़ी गलती कर दी। ब्रेंडा ने डेव स्पिंग्स, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को विलो द्वीप बुलाया और सारी बातें बताई। वो किससे थे कि पहले दिन जब वो घर की रेनोवेशन कर रहे थे और उनका बेटा छत पर लकड़ी के फट्टे लगा रहा था, तभी वो फट्टा उड़कर उनके बेटे पर आकर लगा और वो नीचे गिर गया। उसी दिन अचानक से ब्रेंडा की पीठ पर किसी अदृश्य शक्ति ने पंजों के निशान खरोच दिए। दीवारों और जमीन से गरजने की आवाजें आती हैं, वस्तु अपने आप हिलती हैं, अनजान परछाई पूरे घर में दिखती है और ये भारी दरवाजे बिना हवा के अपने आप बंद हो जाते हैं। अब हम आपको कुछ और भयंकर हादसों के बारे में बताएंगे। एक दिन ब्रेंडा ने बाहर माली को घास काटते हुए देखा और अचानक से मशीन की आवाज बंद हो गई। उन्होंने बाहर जाकर देखा तो माली उनके घर के बाहर टूटी कमर लेकर दर्द में था। माली को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया गया, लेकिन ये सब कैसे हुआ किसी को कुछ नहीं पता। कुछ दिनों बाद एक प्लम्बर घर के बाहर वाली पाइप पर काम कर रहा था, उसे नीचे के फट्टे हटाए तो एक हड्डी मिली और वो मालिक को दे दी। एग्जामिनेशन के बाद पता चला कि वो हड्डी किसी बच्चे के हाथ की हड्डी थी। उधर के शेरिफ विलो द्वीप के बारे में काफी कुछ जानते थे तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि उस हड्डी को वापस उधर रख दिया जाए जहां से वो मिली थी। अगला हादसा कुछ अजनबी के साथ हुआ। एक दोपहर ब्रेंडा बाहर थी और गाड़ी आकर रुकी। उनकी बात उस विलो ट्री के बारे में होने लगी। विलो ट्री को अमेरिका में धार्मिक माना जाता था। ब्रेंडा ने बताया कि उन लोगों के साथ बुरा होता है जिन्होंने इस पेड़ को हानि पहुंचाई। एक व्यक्ति ये बात नहीं माना और उसने जान के पेड़ की टहनी तोड़ दी। वह लोग चले गए और कुछ घंटों बाद ब्रेंडा को खबर मिली कि उन लोगों की लड़ाई हो गई थी और गाड़ी एक विलो ट्री में जाकर टकराई। आसपास के लोग मानते हैं कि ये पेड़ श्रापित है और इसके पास नहीं जाते। एक दिन एक पुराने मालिक ने डेव को बताया कि वो घर के बाहर पार्टी कर रहे थे और उनकी 3 साल की भांजी ऊपर वाले फ्लोर पे हाथ लहरा रही थी। उन्होंने पूछा कि वो किसको हाथ लहरा रही है। उसने कहा कि वो जो लड़की खिड़की पर है, पर उन्हें कुछ नहीं दिखा। उन्हें लगा ये बच्ची की कल्पना होगी। मिनटों बाद बच्ची की चीख सुनाई दी और लोग
भाग कर गए। उन्होंने देखा कि लड़की के चेहरे पर दांत के काटने के निशान है और खून आ रहा है। बच्ची ने कहा कि वो लड़की खिड़की से आई और उसने काट दिया। लेकिन अब एक भयंकर ट्विस्ट अभी बाकी है, वो ये है कि घर के ओरिजिनल फ्लोर प्लान में सीढ़ियाँ ऊपर के स्टोर रूम तक जाती थी, लेकिन अब कोई सीढ़ियाँ नहीं है और खाली एक ही रास्ता है वहाँ जाने का, वो है ये खिड़की। यह असाधारण घटनाएं जरूर किसी दुष्ट आत्मा या आत्माओं की ओर संकेत करती है। ये दुष्ट इसलिए है क्योंकि आज तक जो भी यहाँ हुआ वो सब बुरा ही हुआ है। भूत प्रेत यहाँ शारीरिक और मानसिक हानि पहुँचा रहे हैं, जबकि ये घर एक क्रिश्चियन क्रॉस की शेप में है। डेव स्पिंक्स जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो गए थे विलोज वीप के बारे में जानकर, और उन्होंने वो घर खुद ही ब्रेंडा जॉनसन से खरीद लिया और अब वहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एक दिन देव को एक अजीब किताब मिली फर्श के अंदर से, जिसमें काले जादू के बारे में काफ़ी रहस्यमय चीज़ें लिखी थी। देव के अनुसार यहाँ कई भयंकर राज हैं जो प्रेत आत्माओं को आकर्षित कर लेते हैं या पकड़ लेते हैं, और देव मानते हैं कि शायद राक्षस के अस्तित्व का सबूत भी दे सकते हैं। ये सब कुछ हिस्ट्री चैनल ने अपने शो द अनएक्सप्लेन्ड में भी दिखाया था, और आगे भी इसके राज खुलते रहेंगे। देव एक फिल्म मेकर बिली लुइस के साथ इस पर मूवी बनाना चाहते हैं ताकि ये संदेश दुनिया तक पहुंचा सके। इसकी प्रोडक्शन के लिए उन्होंने क्राउड फंडिंग खोला है। अगर आप इसके लिए कंट्रीब्यूट करेंगे तो आपको इस मूवी में होने का मौका भी मिल सकता है। बाकी सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या कहना है विलोज वीप के बारे में, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।